इलेक्शन और उसके बाद जनरल इलेक्शन आएगा, जिधर जो आपकी मेहनत होगी वो हमें जनरल इलेक्शन में भी काम आएगी। और मेरा ईमान है कि कोई जो इनकलाब आ रहा है पाकिस्तान में, कोई इसको नहीं रोक सकता, कोई ताकत आप नहीं रोक सकती। इंशाल्लाह मेरे काम में जो शऊर है आज, और पहले कराची के लोग शऊर रखते हैं, और कराची उससे पहले आप सब तैयार हो जाएं, मैं कॉल देने वाला हूं ये इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ, ये जो बैरूनी साजिश के तहत हमारे ऊपर मुसल्लत की गए हैं लोग। ज्यादा देर नहीं रहेगी उस कॉल को, ये मैं कॉल दूंगा, सारे पाकिस्तान ने खड़ा होना है, हक के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए सारी मेरी कौम ने खड़ा होना है। ये जो डाकू राज है, सिंध का भी डाकू राज, और जो उधर शरीफ माफिया, उन दोनों को, इन दोनों के करप्शन के केस माफ किए गए, ये दूसरी दफा इनको एनआरओ मिला, पहली दफा लूटा इन्होंने मुल्क को, मुशर्रफ ने इनको एनआरओ दिया, अब ये दूसरी दफा 10 साल 2008 से लेके 18 तक 4 गुना पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा जब ये एनआरओ लेके आए, और इन्होंने मुल्क का, जो मुल्क को छोड़ के गए दिवालिया निकाल के, खुद सब बाहर चले गए, इनके अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज है, मुल्क को नुकसान होता है। YouTube पर Googly News देखने के लिए YouTube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।